इतना कहना चाहूंगी, तू खूबसूरत भी है, हसीन भी, जहीन भी, कि तू एक औरत भी है, माँ भी, और इस वतन की अमीन भी। I'm calling a very gorgeous, a very well talented lady who is MPA Punjab Assembly Chairperson Standing Committee Excise Taxation and Narcotics, Miss Sadia Suhail Rana. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत अल्फाज का, और अब जो पब्लिक फ्रंट देख रही है तो ज़रा मायूस सी लग रही है। और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ हसन और आपको और सारे इन नौजवान चेहरों को जिनको मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे हमेशा मिलती रही हूँ और काम भी हम मिलके करते रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जो इनिशिएटिव लिया है इसकी अशद ज़रूरत थी। इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि जो आप पिछली काउंसिल की बात कर रहे थे हमजा डोगर साहब की, वो भी एक इनिशिएटिव हमजा ने इनिशिएटिव पर्सनली उस पर लिया। उसमें मैं पार्ट ऑफ अपोजिशन थी और हमने और कुछ एमपीएस ने मिलकर उसको साइन करके कुछ मिनिस्टर्स ने हमने उसको कहा कि भी इसको रन कर दिया जाए, एटलीस्ट कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और मैंने खुद भी पिछले टेन्योर में भी एक बिल जमा करवाया था यूथ पॉलिसी पे कि यूथ की बकायदा एक पॉलिसी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन बकायदा यूथ का रिप्रेजेंट होना एक हिस्सा, मतलब हालांकि हमने यूथ कॉकस भी बनाई थी असेंबली में, यूथ की कॉकस अलग थी ताकि वो उस प्लेटफॉर्म से यूथ के लिए इनिशिएटिव्स ले सके। बहरहाल वो कितनी फाल रही और कितनी नहीं ये पिछली हुकूमत की बात है। जहाँ तक बात हुई कि ये इनिशिएटिव आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया, असल में हुआ क्या, आप लोगों का मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन थी, मुख्तलिफ हर कोई काम कर रहा था, कोई कहाँ किसी सेक्टर में काम कर रहा है, लेकिन जब भी हम बिखर जाते हैं ना तो हमारा काम भी उस तरह ना नज़र आता है, ना उस पर इतना अफेक्टिवनेस उसकी होती है। लेकिन जब आप फोकस कर लें और आप सब मिल जाएं, वही ना एक उंगली तो एक उंगली है, जब ये मिलती है तो ये मुक्का बन जाता है, वो 12 किलो वाला मुक्का जो जहाँ पड़ता है पता चलता है कि यहाँ पर ये तो अफेक्टिवनेस आती है उसमें। बहरहाल मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि हुकूमत पीटीआई की हुकूमत ख़ास तौर पे यूथ का नारा था और यूथ के हवाले से जिस तरह मैं समझती हूँ वो थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए कि यूथ पे बहुत इनिशिएटिव लिए गए हैं, उनको आपके सामने ज़रूर बयान कर देना चाहती हूँ ताकि आपके नॉलेज में हो। अच्छा, हमारे यहाँ यूथ का सबसे बड़ा एक जो इशू था, एक तालीम था, उसके बाद रोज़गार था। हमने नौकरियों की बात की, लेकिन नौकरियां बीच में हम इन 3 सालों में 2 साल से हम बदतरीन पेंडेमिक को फेस करते हुए, लेकिन हमने उससे बेहतर चीज़ सोची। आज का जो आपका जवान प्रोग्राम है, यूथ प्रोग्राम है, जिसमें हम फैसिलिटेट कर रहे हैं जवानों को कि वो बजाय इसके कि नौकरियां लें, वो नौकरियां देने वाले बने, अपने कारोबार करें, अपने आप को इस्टेब्लिश करें और ख़ुद इस काबिल हों कि वो लोगों को नौकरियां दे सकें। हमारा टेफ्टा जो इदारा है उसमें हमने ना सिर्फ यूथ में सिर्फ एक जेंडर नहीं आता, लड़के या लड़कियां, उसमें ट्रांस को भी नहीं आप मिस कर सकते, स्पेशल पीपल भी उसमें मौजूद हैं। तो हमने यूथ के टेफ्टा के ट्रेनिंग के हमने जो उसका सिस्टम को बढ़ाया और उस पर इंक्लूड किया तमाम यूथ के, ट्रांस के, गर्ल्स के और स्पेशल लोगों को इसमें शामिल करके उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की कि ना सिर्फ उनको स्किल एजुकेशन, लाइफ स्किल एजुकेशन सिखाई जाएगी, बल्कि जो वहाँ से ट्रेनिंग लेगा वो वहाँ से जॉब लेके निकलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ उसको मार्केट में लाया जाएगा ताकि ना सिर्फ हुनर, उसके साथ साथ उसके जॉब और उसके कारोबार और उसके बिजनेस जिससे रिलेटेड उसने ट्रेनिंग ली है उसमें फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। इससे पहले ये काम इस तरह कभी नहीं हुआ। और आपके यूथ के लिए, निसाब के लिए जो कोशिशें की, आज आप देख लीजिए जो माशरे में जिस किस्म के मसाइल, जिस किस्म के क्राइम, क्योंकि हमारा मुल्क जो है लकीली 60% यूथ की आबादी पर मुश्तमिल है। अच्छा, 65-60% जो है इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर, और यूथ जो होता है इट्स अ नेम ऑफ अ पावर, पावर को अगर आप यूटिलाइज कैसे करते हैं इट डिपेंड ऑन यू। अगर आप पावर को रास्ता नहीं देंगे, डायरेक्शन नहीं मिलेंगी तो ये आपके अंदर ही फट जाती है और ये बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है।
बड़ा खतरनाक ब्लास्ट होता है, लेकिन अगर इसी पावर को आप डायरेक्शन दे दें, रास्ता बता दें और इस पावर को यूटिलाइज कर लें बेहतर तरीके से, तो मैं समझती हूँ वो मुल्क कभी भी पीछे नहीं रह सकता जिसकी आबादी 60% यूथ पे मुश्तमिल हो और वो किसी भी फॉर्म में पीछे रह जाए किसी भी। इसलिए हमें ज़रूरत ही समझ की थी कि ऐसे प्लेटफॉर्म में, एक माजरत से कि हाँ, आप यूथ से भी थोड़ा सा शिकवा करना चाहूँगी कि अगर एक यूथ काउंसिल बनी भी थी, टूटी बजी जैसी भी बनी थी, सबसे ज़्यादा मुखालफत, क्योंकि मैं उसके एडवाइजरी बोर्ड में थी और एफर्ट पुट किया, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि यूथ को इकट्ठा तो करें ना, उसके बाद आगे देखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुखालफत यूथ से आई। इसको क्यों बनाया, ये क्यों बना, वो कैसे आ गया? सबसे पहले हमारा इशू ये होता है, अब ये यहाँ 6 लड़कों की तस्वीरें थी, सब ने अपने अपने फील्ड में बेहतरीन काम किया हुआ है, मैंने उनको खुद देखा हुआ काम, और उनसे ऐसे भी कई बैठे हैं जिन्होंने उनसे भी सच ज़्यादा काम किया, लेकिन हर एक एकदम से सब टॉप पे नहीं आके बैठ सकते। ये अगर आपकी यूथ का कोई भी शख्स जो एम्पावर होगा और स्पेशली डिसीजन मेकिंग में शामिल होगा, तो आप सबके लिए अच्छे फैसले होंगे, आप सबके लिए रास्ते खुलेंगे। लेकिन मुझे इख्तलाफ है इस 6 लोगों की लिस्ट में, इसमें कोई भी लड़की शामिल नहीं है, विच इज वेरी आई थिंक ये जो जेंडर बाइस नहीं होना चाहिए, आप जेंडर इक्वालिटी के हम कायल हैं, और हमारी बच्चियां बहुत ही माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, बहुत ज्यादा काम करने वाली है, डिवोशन के साथ काम करती हैं, तो उन्हें हमें किसी तरीके से भी हम पीछे नहीं देखना चाहते। आपको 2 ऐड करने पड़े क्योंकि जो है उनको तो निकालना नहीं बनता, लेकिन हाँ, खवातीन इसमें बच्चियां हमारी जरूर ऐड करें, यहां से ही चल रहा है सिलसिला। और सबसे बड़ी बात, जहां तक आपने कहा, जो एक चीज की मुझे आपसे जरूरत पड़ेगी वो ये कि हम इस चीज को कैसे बेटर लेके चल सकते हैं। एज ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आई वॉन्ट कि आप यूथ से रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग पे काम करें। आपके पास लॉयर्स हैं, मुख्तलिफ जो बच्चे हैं जिस समझते हैं कि जहां आपको फोकस करना पड़े, जहां पे आपको ये काम हम कर ले तो यूथ के लिए ये बेटरनेस ला सकते हैं, तो वो आप उसके लिए आप कानून साजी तैयार करें, आप वो बिल्स तैयार करें, करारदादे जाकर इसको अगर टेक्निकल शेप देनी है तो वी कैन डू दैट, वो आइडिया हमें ट्रांसफ़र करें। तो असेंबली के फ्लोर पे बेशक मेरी हुकूमत है, उस पर भी मैं बात करूंगी इंशाल्लाह ताला, आपकी वो आवाज़ असेंबली तक पहुंचनी चाहिए और असेंबलियों में आप में से कोई लोग पहुंचने चाहिए, तभी आप नुमाइंदगी अच्छे तरीके से उस फ्लोर को इस्तेमाल कर सकेंगे। जब तक आप फैसला साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे तो फैसले कैसे आपके हक में होंगे, कैसे वो चीज़ें कवानीन बनेंगे, कैसी वो पॉलिसीज बनेंगी कि जिसमें यूथ के लिए सोचा जाएगा। यहाँ तो सोच ये कि मैं लेजिस्लेटर हूँ खुद भी, लेकिन मैंने पिछला अदवार भी देखा और मुझे बड़ी खुशी होती है कि राणा मशहूर साहब यहाँ बैठे होते, बराबर आए नहीं, मैंने ये वाला अदवार भी देख रही हूँ। हमारा अलमिया क्या है, एक तो लेजिस्लेशन का तरीक़ेकार बहुत ही बसीदा और पुराना है। हम क्या देखते हैं कि हम अच्छा फेसबुक पे जाके टिक 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 देखते हैं, गूगल करते हैं कि किन मुल्कों में कौन सी लेजिस्लेशन आजकल हुई है और बड़ी फेमस हुई है, हम कॉपी पेस्ट करते हैं और अपने नाम से वो बिल जमा करा देते हैं, वो करारदादे जमा करा देते हैं, और होता क्या है कि वो हमारे माशरे से मुताबकत रखती हैं नहीं है, इसका कोई जिक्र नहीं। मेरा नाम तो हिस्ट्री में आ गया, अगले 100 साल भी मेरा नाम रहेगा, ये बिल मेरे नाम से आया था, उसकी क्या अफादियत है, वो किसको कितना सूट करता है। और अक्सर हम जो लेजिस्लेशन करते हैं वो इतनी, अब पाकिस्तान इज अ ओवर लेजिस्लेटिव कंट्री जिसमें इतनी ज़्यादा लेजिस्लेशन, ऑब्सोलीट किस्म की लेजिस्लेशन है जिसकी सजाएं आज तक भी 80 पैसा, 20 पैसा, 5 पैसा है। लेकिन केपी गवर्नमेंट ने, हमारी जब गवर्नमेंट आई तो हमारी असेंबली ने सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया कि एक ऐसी स्टैंडिंग कमेटी बनाई जिसने तमाम लेजिस्लेशन को दोबारा रिव्यू करना शुरू किया, जिसमें अमेंडमेंट की जरूरत थी, जो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुकी थी उन्हें माइनस करना, या जिनमें बेहतरी लानी, जिनमें पुरानी सजाएं और पुरानी चीज़ें थी उनको अपडेट करके हमने किया। अब यही चीज़ हम पंजाब असेंबली में भी हम शुरू कर रहे हैं और इस पर काम शुरू हो चुका है, और हमें चाहिए असल में आप लोगों को अगर कुछ काम कराना है तो आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, आपको डिसीजन मेकिंग में आना पड़ेगा, उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। निसाब में जो तब्दीलियाँ आई हैं, निसाब में जो चीज ट्रैक्टर मेकिंग से आई है, कुरान पाक को शामिल किया गया है, हुस्न शामिल की गई है ताकि ट्रैक्टर मेकिंग भी आज के तालीमी इदारे माजरत के साथ आपके इंडस्ट्री बन चुके हैं,
आपको लगता है जितने कुछ है खास ग्रुप किस्म के तालीमी इदारे, जिनका मैं नाम ही देना पसंद करूंगी, कि वहां से एक ब्रांड निकलता है खास माइंड सेट के साथ, ब्यूरोक्रेट्स बन के निकलते हैं, एक में से पैदा ही सियासतदान होकर निकलते हैं, एक में अफसर शाही निकलता है, और एक ब्रांड है उनमें से सिर्फ क्लर्क और मजदूर और वही तबका निकलना। तो आज हमें इंस्टीट्यूट को इस चीज को समझना है, जो हमने एक निसाब की बात की थी वो इसलिए कि माइंडसेट एक जैसे इस माशरे में जो आ रही है खेप, वो एक माइंडसेट के साथ आए, तरबियत का आंसर शामिल हो और उस तमाम चीज़ों को लेके हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बहरहाल इस प्लेटफॉर्म को आप अगर गवर्नमेंट सतह पे, मैं समझती हूँ उसको ज़रूर रिकगनाइज भी होना चाहिए और उसकी गवर्नमेंट की सपोर्ट भी होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। इस एफर्ट में मैं आपका 100% सपोर्ट भी करूंगी, साथ भी दूंगी, और मैं चाहती हूं कि आपकी तरफ से बेहतरीन किस्म की पॉलिसीज आएँ जिन्हें हम अमली तौर पे शामिल कर सकें, कानून का हिस्सा बना सकें और आपके लिए सही तौर पे काम हो सके। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।